हेलो किड्स, कहानी पूंछ कटी लोमड़ी। लेट्स स्टार्ट। एक लोमड़ी जंगल में अपने समूह के साथ रहती थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में अकेले ही जंगल से निकल गई। भोजन तो उसे नहीं मिला, लेकिन वह शिकारी के बिछाए जाल में फंस गई। पूरी जोर कोशिश कर किसी तरह वह जाल से तो बाहर निकल गई, लेकिन उसे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। जब उसने नदी के पानी में खुद को बिना पूंछ के देखा तो बड़ी दुखी हुई। वह सोचने लगी कि यदि उसके साथियों ने उसे बिना पूंछ के देख लिया तो उसका मजाक उड़ाएंगे और पीठ पीछे उस पर हंसेंगे भी। तब वह उपाय सोचने लगी ताकि खुद को हंसी का पात्र बनने से बचा पाए। कुछ देर सोचने पर उसे एक उपाय सूझी। वह एक ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने साथियों को बुलाया। जब सभी साथी जमा हो गए तो वह बोली, साथियों, एक खास बात बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। यह हम सबकी सुरक्षा से संबंधित बात है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य हमारा शिकार क्यों करते हैं? सबने एक साथ उत्तर दिया, नहीं। पूंछ कटी लोमड़ी ने कहा, हमारी पूंछ की वजह से। हमारी पूंछ उनके लिए गौरव का प्रतीक है। हमारा शिकार कर वे हमारी पूंछ काट लेते हैं और दूसरे को दिखाकर अपना गौरव बढ़ाते हैं। मेरी मानो तो ये पूंछ ही काट दो, हमेशा के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। अभी सब लोग इस बात का समर्थन करने ही वाले थे कि एक चालाक लोमड़ी उसके पीछे चली गई। उसने देखा कि उस लोमड़ी की तो पूंछ कटी हुई है। तब उसे उसकी सारी चाल समझ आ गई और वह वापस आके लोमड़ी को पीछे पलटने के लिए कहा। पूंछ कटी लोमड़ी को अपनी बात मनवानी थी, इसलिए वह पलट गई। जैसे ही वो पलटी, हंसी का फवारा छूट गया। उसकी कटी पूंछ देखकर उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। तब चालाक लोमड़ी ने कहा, जब तुम्हारी खुद की पूंछ थी तब तो तुम्हें वह बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब तुम्हारी पूंछ कट गई है तो तुम हमें भी अपनी पूंछ कटवाने के लिए बहका रहे हो। हम तुम्हारी चालाकी समझ गए हैं, हम तुम्हारी बात में नहीं आने वाले। पूंछ कटी लोमड़ी शर्मसार होकर वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन लोगों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए जो आपको अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।